दोपहर में खाने में क्या क्या बना था वो बता देती हूँ आपको। ये है रबड़ी जो कटोरी में है, और उसके बाद रोटी है, दो सब्जियां है, उसके बाद दाल चावल भी थे, मैंने लिए नहीं थे, और बस ये थी आज की थाली जो उसके लिए बनाई थी स्पेशल भाई के लिए। बस अभी लंच कर लेते हैं और मिलती हूँ शाम को डायरेक्ट आपसे। चलिए पहले अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, फिर मुझे रेडी भी होना है भाई के बर्थडे के लिए। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का एक्टिवेट चारकोल फेस वॉश। ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है और काफी दिनों से, मतलब जैसे कि मैं 2 साल से इसे यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इससे आपकी जो स्किन है वो डीपली क्लींज होती है। ये एक्टिवेट चारकोल डीपली क्लींजिंग फेस वॉश है। इससे आपकी स्किन, वैसे भी जो चारकोल होता है वो डीपली क्लींज करने के लिए होता है, इससे आपकी स्किन डीपली क्लींज होती है और आपका जो एक्सेस ऑयल है, डर्ट है, वो रिमूव होता है। तो इससे आपको अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश हो गया और आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने फेस को वॉश किया है और पूरा जो ऑयल, एक्सेस ऑयल और डर्ट है वो रिमूव हो गई है। इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये एक्टिवेट चारकोल फेस पैक। ये भी गुड वाइब्स का ही है और इससे एक्सेस ऑयल रिमूव होगा उसी तरह से पूरा, और उसके बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी इससे। ये आप देख सकते हो ब्लैक कलर है इसका, ग्रेज ब्लैक। चाहे अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो आपके अगर पिंपल्स है वो भी कम होते हैं, उसके बाद आपके फेस से ये पूरा ऑयल निकाल देता है, डर्ट निकाल देता है, और उसके बाद बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है, और आपके जो पिंपल्स है, एक्ने है, उसे भी ये कम करता है। तो ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। तो इसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद ड्राई होने तक वेट करती हूँ। और हाँ, कोई मुझे बोल रहा था कि स्किन केयर कर रहे हो फिर भी डल स्किन दिख रही है, तो जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बिल्कुल मैंने स्किन केयर किया, फेस वॉश तक नहीं किया था। फेस वॉश बस सिंपल पानी अप्लाई कर लेती थी और बस हो गया। तो इसी वजह से इतनी ज्यादा डल हो गई है स्किन, नहीं तो स्किन केयर अच्छे से प्रॉपर स्किन केयर करती तो इतनी डल नहीं दिखती स्किन। अभी उसे ही रिकवर करना है तो इसीलिए इतने अच्छे से स्किन केयर कर रही हूँ, और स्किन केयर के ऊपर मैं अभी बहुत ही अच्छे से ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, ना कि मेकअप के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे कि मेकअप तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, बस अभी मेकअप करूंगी तो वो बहुत ही लाइट सा मेकअप करूंगी। मेकअप बहुत कम कर रही हूँ, स्किन केयर बहुत ज्यादा कर रही हूँ। तो जब भी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है या आपको लो फील होता है, उसके बाद अगर आप ज्यादा स्किन केयर पे ध्यान देते हो ना तो अच्छा रहता है, जिससे ग्लो भी करने लगती है। अभी आप देख रहे होंगे पहले दिन से अभी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और स्किन थोड़ी सी ग्लो भी कर रही है। तो इसी वजह से मैं स्किन केयर पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ आजकल। बस अभी ये फेस पैक अप्लाई हो गया है, थोड़ी देर वेट करूंगी, उसके बाद रिमूव करूंगी, और उसके बाद जो भी करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी ही। चलिए फेस पैक ड्राई हो चुका है और यहाँ पर लगाना भूल गई थी मैं, तो लगा लिया था। तो अभी इसे वॉश कर लेती हूँ, और गर्मी का टाइम है ना, फेस पैक जल्दी से ड्राई हो जाता है। अभी इसे थोड़ा सा इस तरह से पानी लेके रिमूव करना है और फिर वॉश कर लेना है। उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। इसको एब्जॉर्ब होने दूंगी और उसके बाद यूज करूंगी ये वाला एलोवेरा जेल गुड वाइब्स का। ये ना एक्चुअली मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल है, इसे आप हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसे आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप इसे किसी चीज में डाल के भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो पूरा ट्रांसपेरेंट है, ओरिजिनल एलोवेरा जेल है, और इसे मैं लगा लेती हूँ। बस इसे फेस पे अप्लाई कर लेना है आपको और थोड़ी देर के लिए मसाज कर लेनी है ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए अंदर। और हाँ, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और
वहां पर आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे। अभी सेल चल रहा है तो आप सेल का फायदा उठा सकते हो और आप इन सारे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। एक्चुअली लॉकडाउन लग गया था ना, तो इसी वजह से पहले दिन ही केक लाके रखा था हम लोगों ने। और ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हो दीपाली ने किया था, एक्चुअली उसी का मन था, तो इसी वजह से, क्योंकि उसका मतलब भाई का पहला बर्थडे है उसकी शादी के बाद का, तो इसी वजह से वो भी एक्साइटेड थी सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर उसे ही करने दिया जो भी डेकोरेट करना था। तो वो उसके चैनल पर देखने के लिए मिलेगा आपको, उसके ब्लॉग पर देखने के लिए मिलेगा आपको कि उसने कैसे डेकोरेट किया। तो बस यहाँ पर टेबल पे केक सजा रहा है, उसके बाद भाई का कॉल आएगा। एक्चुअली आप लोगों को सभी को पता है, पूना वाला जो भाई है मेरा, जो भी सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं घर में तो वो वीडियो कॉल पे देखता है हमेशा। आपको मैंने बताया है, इस बार भी वो वीडियो कॉल पे देखेगा, तो वो वही चल रहा है हमारा, बस डेकोरेशन कर लेंगे यहाँ पे और फिर उसको कॉल करेंगे, सब कुछ हो जाने के बाद फिर उसे कॉल करेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से शामिल होते हैं हमारे कोई भी सेलिब्रेशन में वीडियो कॉल के थ्रू। तो यही चल रहा है बस, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। जैसे कि इससे पहले भी आपको मैंने ब्लॉग में बताया है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑक्शन होता है, और ऑक्शन करने के बाद ही हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो वही यहाँ पर चल रहा है, उसको ऑक्शन करेंगे और उसके बाद सभी लोग ऑक्शन करेंगे घर के जो भी है, और उसके बाद फिर वो केक कट करेगा। एक्चुअली यहाँ पर एक सीन हो गया था, वो जो चमकी वाला पटाखा नहीं था उसकी वजह से सारे केक पे चमकी गिर गई थी और वो खाने लायक भी नहीं रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, ऊपर ऊपर का कट कर लिया और नीचे नीचे का फिर हम लोगों ने सबने एक दूसरे को खिलाया। हे गे गे हे गे हे गे तो गण हाँ हे गे झालं। अरे हे जे आहे ना साप साप होते त्याच्यामध्ये, अंडे होते अंडे आणि त्याच्यामधून साप निघत होते असा केक होता तो। तिथलाच आहे तिथलाच आहे। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड का भी हम लोगों ने निकाल दिया जो चॉकलेट वाला था, और ऊपर का भी हम लोगों ने निकाल दिया जो क्रीम था, सब कुछ निकाल के फिर नीचे का जो था उस पर चमकी नहीं लगी थी, तो इसकी वजह से वो थोड़ा खाने लायक था, तो वो ही हम लोगों ने फिर एक दूसरे को खिलाया। अगर आपका भी बर्थडे पे ऐसे कुछ करने का प्लान है ना, बिल्कुल मत करना, ये पटाखा पूरा बर्थडे स्पॉइल कर देता है। मतलब ये जो केक है वो पूरा ख़राब हो गया था, और केक इतना टेस्टी था ना कि आपको क्या बताओ, ऊपर ऊपर का सारा कुछ क्रीम वगैरह निकालना पड़ा और फिर नीचे नीचे का ही खाना पड़ा। तो ये गलती हमसे हुई है बर्थडे के दिन भाई के।
बस अगर आप सोच रहे हो तो ये मत करना बिल्कुल भी। और वो पेपर का होता है वो फोड़ सकते हो आप, बट ये चमकी वाला जो होता है ना वो बिल्कुल मत फोड़ना, या ग्लिटर वाला। तो ये यहाँ पर बस केक खिलाया जा रहा है उसे, सबने ऐसे ही केक खिलाया और उसके बाद हम लोग लग गए अपने कामों में, जो भी हमें बनाना था। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हमें इडली और सांभर बनाना है, इडली और सांभर बनाया था, उसके बाद डोसा भी बनाया था। दे रे कैमरा और केक दे, दे त्याचा जोड़ दे ना, दाखव ना त्याला, ते त्याला स्क्रीन मोठी कर, स्क्रीन मोठी कर। अरे केक खाओ रे, वहां पे केक चल रहा है। गे गे कल्याणी गे। हाँ ये अरे दोनों का आपका आधा उधर कैसे पहुंच गया। सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर मम्मी हमें काट के दे रही है सब्जियाँ सांभर के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं था घर में क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ला भी नहीं सकते थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, तो जो भी था घर में वो हमने डाल दिया सांभर में। लौकी है, आलू है और क्या बोलते हैं ये फली है, और उसके बाद टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया और ऐसे ही सांभर बना लिया था। सांभर कैसे बनाया वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर दीपाली का चल रहा है ये बैटर बनाना इडली के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है वो देख रही है। और उसके बाद मैं सांभर साइड में बना रही हूँ, बस यही हम दोनों का चल रहा था। दीपाली यहाँ पर इडली बना रही थी और उधर मैं सांभर बना रही थी। जल्दी से हो गया हमारा। फिर यहाँ पर सांभर की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और जो जो सब्जियाँ मैंने डाली थी कुकर में सब बॉईल कर ली है दाल के साथ। उसके बाद मैंने उसमें राई, जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड किया है और बस उसे अच्छे से होने दिया है। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी सारे मसाले, जैसे कि हल्दी, मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर और उसके बाद सांभर मसाला। और ये सब कुछ हो गया था जैसे कि सब्जियां बॉईल हो गई थी दाल के साथ, और उसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और इसे ऐड करना है हमें मसाले में, जो हमने मसाला बना के रखा है उसमें ऐड करना है। और यहाँ पर सब कुछ हो गया है और ये मैं मसाले में ऐड कर रही हूँ दाल और सब्जियाँ सारी, और इसे अच्छे से बॉईल होने दूंगी और बस पानी ऐड करूंगी जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, जितनी चाहिए, और बस इसमें थोड़ा सा फेंटते रहूंगी।
यहाँ पर मैंने गुड़ ऐड कर दिया है थोड़ा सा खट्टा मीठा होने के लिए। और मैंने ना इमली मैंने भिगो के नहीं रखी थी, तो इसी वजह से मैंने जब दाल बॉईल की थी, दाल और सब्जियाँ बॉईल की थी, उसी में इमली बॉईल कर ली थी। और बस टोमेटो भी उसी में बॉईल कर लिया था, सब कुछ उसी में बॉईल कर लिया था, प्याज टोमेटो सब कुछ उसी में बॉईल कर लिया था। यहाँ पर दीपाली बना रही है डोसे। डोसे बनाने के लिए दीपाली ने पहले तवे पर ऑयल डाल दिया है, लगा दिया है ऐसे ही, और उसके बाद उसे पोंछ लिया है, और उसके बाद उसने पानी डाल दिया है और उसे भी पोंछ लिया है। इससे क्या होगा कि जो पहला आपका डोसा ख़राब होता है ना, वो नहीं होगा, और डोसा चिपकेगा भी नहीं और क्रिस्पी भी बनेगा। तो ये ट्रिक अगर नहीं आपको पता थी तो मैं बता रही हूँ, ये ट्रिक एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, पता चल जाएगा आपको कि ये वर्क करती है या नहीं। बस सारे जेंट्स ने खा लिया था, और उसके बाद में मम्मी ने और नानी ने भी खा लिया था, बस हम ही बचे थे, तो हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं। और बस इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साइड में जो बेल आइकॉन आएगा उसे दबाना मत भूलेगा, उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।